अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि हमारी हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में एक परिवार बहुत बड़ा है और बहुत मशहूर है, और वो है कपूर परिवार, यानी एक पंजाबी परिवार। हम आपको बता दें कि इतना ही बड़ा और इतना ही मशहूर एक बंगाली परिवार भी है, और वो है मुखर्जी परिवार। और आज हम बात करेंगे इसी परिवार के टॉप मोस्ट हीरो जॉय मुखर्जी के सगे छोटे भाई की, और वो है देव मुखर्जी। अब तो हमको एक ही सपना पूरा करना है, जन्म जन्म का प्यार तुम्हारी मांग में भरना है। 22 नवंबर 1941 में पैदा हुए थे देव मुखर्जी मुंबई में एक बंगाली हिंदू परिवार में। उनके पिता का नाम था एस मुखर्जी और वो बहुत बड़े और बहुत मशहूर प्रोड्यूसर थे और दो स्टूडियोज के मालिक भी थे, फिल्मालय और फिल्मिस्तान स्टूडियो। देव मुखर्जी की माँ का नाम था सती रानी मुखर्जी और वो हाउसवाइफ थी। और हम आपको बताएं, देव मुखर्जी के चार भाई हैं, दो बड़े भाई हैं रोनू मुखर्जी और जॉय मुखर्जी, और दो छोटे भाई हैं शोमू मुखर्जी और शुभीर मुखर्जी, और उनकी एक बहन भी है और उस बहन का नाम है शबानी। दोस्तों, ये परिवार मुझे 1950 से जानता है और बहुत ज़्यादा चाहता है, बहुत प्यार भी करता है। और इसका सबूत ये है कि जब इन पांचों भाइयों से कोई पूछता है कि तुम्हारी कितनी बहनें हैं, तो प्राउडली कहते हैं दो बहनें हैं, एक शबानी और एक तबस्सुम। देव मुखर्जी ने अपने स्कूल की पढ़ाई की मुंबई में, और उसके बाद उनके माँ बाप ने उन्हें लंदन भेज दिया फर्दर एजुकेशन के लिए। और दो तीन साल बाद जब वापस आए छुट्टियाँ गुजारने के लिए, तो उनकी माँ ने उन्हें वापस नहीं जाने दिया। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि एस मुखर्जी ने अपने बेटे जॉय मुखर्जी को सबसे पहले ब्रेक दिया था बहसियत हीरो 1960 में, और उस फिल्म का नाम था लव इन शिमला। और उसके बाद एस मुखर्जी ने अपने छोटे बेटे देव मुखर्जी को भी हीरो बना दिया 1965 में, और उस फिल्म का नाम था तू ही मेरी जिंदगी। और इसके बाद तो ये सिलसिला शुरू हो गया, और देव मुखर्जी ने बाहर के बैनर्स की भी कई फिल्में साइन कर ली। बड़ी भोली हो ये भी ना जाना, कभी अपनों को नहीं कहते बेगाना, बड़ी भोली हो। 1971 में एक फिल्म आई थी अधिकार, और हम आपको बता दें कि बहसियत राइटर सलीम जावेद की ये पहली फिल्म थी। हीरो थे देव मुखर्जी, हीरोइन थी नंदा, और देवू की छोटी बहन का रोल मैंने किया था, बहुत अच्छा रोल था। शर्मा जी की एक बेटी है, बाबूजी ने उसे देखा और आपके लिए पसंद कर लिया, अब आया अपने शरीफ में। ये क्या सूझी बाबूजी को, अभी तो मुझे इंग्लैंड जाना है। हाँ, बाबूजी ने फैसला किया है इंग्लैंड जाने से पहले बात पक्की और आने के बाद शादी। ठीक है, लड़की देखकर कह दूंगा बाबूजी से कि मुझे लड़की पसंद नहीं आई। बनो मत भैया, दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं। रेखा, 1972 में एक फिल्म आई थी, और उस फिल्म का नाम था एक बार मुस्कुरा दो। हीरो थे देव मुखर्जी और हीरोइन थी उनके साथ तनुजा। चेहरे से जरा चल जब आपने सरकाया, दुनिया ये पुकार उठी, लो चांद निकल आया।
और इस फिल्म के डायरेक्टर थे देबू के छोटे भाई शोमू मुखर्जी। उसी फिल्म की शूटिंग के दौरान तनुजा का रोमांस हो गया डायरेक्टर से शोमू मुखर्जी के साथ और दोनों ने शादी कर ली। देव मुखर्जी कहते हैं कि तनुजा ने जब मेरे छोटे भाई शोमू के साथ शादी की तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हो गया। लेकिन अगर ये किसी फिल्म का सीन होता और हीरोइन हीरो को छोड़ के किसी दूसरे से शादी कर लेती तो हीरो को बहुत तकलीफ होती, वो तड़प जाता। तुम्हारे लिए हम, तुम्हारे दिए हम, लगन की अगन में अभी तक जले हैं। शोमू और तनुजा की दो बेटियां हैं, काजोल और तनीषा। इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों देबू मुखर्जी की नीस हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि रानी मुखर्जी भी देबू की नीस हैं। अब रिश्तेदारियों का जिक्र निकला है तो बताना बहुत ज़रूरी है कि अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार देव मुखर्जी के सगे मामा थे और अमित कुमार उनका फर्स्ट कज़न है। 1983 में देव मुखर्जी खुद प्रोड्यूसर भी बन गए और डायरेक्टर भी। उनकी फिल्म का नाम था कराटे और उसमें दो हीरो थे, मिथुन चक्रवर्ती और देबू खुद। मिथुन चक्रवर्ती के साथ हीरोइन थी योगिता बाली और देबू के साथ हीरोइन थी काजल किरण। काफ़ी अरसे तक बहसियत हीरो देव मुखर्जी ने कई फिल्मों में काम किया और उसके बाद वो करेक्टर रोल्स करने लगे। अभी तो तुम सीना तान कर खड़े हो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लड़के इसकी एक एक हड्डी तोड़ दे, समझे? कमान बॉयज, आई सेड कमान। देव मुखर्जी ने लव मैरिज की थी, उनकी बीवी का नाम है अमृत और उनके दो बच्चे हैं, एक बेटी सुनीता, और सुनीता ने शादी की है मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और एक्टर आशुतोष गवारिकर से। देव मुखर्जी का एक ही बेटा है और उसका नाम है अयान मुखर्जी और आज के दौर का वो बहुत मशहूर डायरेक्टर है और कई बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं जैसे वेकअप सिड और ये जवानी है दीवानी। दोस्तों आपको एक राज की बात बताऊं, देव मुखर्जी खुद डायरेक्टर बनना चाहते थे लेकिन अफसोस कि बन नहीं पाए, लेकिन उनकी ये तमन्ना और ख्वाहिश उनके बेटे अयान मुखर्जी ने पूरी कर दी है। दोस्तों देव मुखर्जी आज माशाल्लाह 79 ईयर्स के हो गए हैं लेकिन बिल्कुल फिट हैं। वो बैडमिंटन भी खेलते हैं और तैरते भी हैं और कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ और अपनी लाइफ को, जिंदगी को इंजॉय कर रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।